हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फी स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक और न्यू अपडेट है, यानी कि एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। रिक्रूटमेंट है भारतीय वायुसेना में। आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को AFCAT या AFCAT की जो वैकेंसी है हर साल के लास्ट मंथ में जो है आती है, और वो बिल्कुल आ चुकी है, जिसमें आप लोगों को पता है 317 वैकेंसीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एज में क्या बदलाव किया गया है, पहली चीज़, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, आपका सिलेबस जो है वो क्या रह सकता है, ये सारी चीज़ें जो है इस नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं। और वैकेंसी के बारे में फुल नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, यानी कि आप टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर जा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर पूरा PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप PDF को पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको AFCAT की वेबसाइट पर भी जाकर मिल जाएगा। ओके, तो भारतीय वायुसेना में भर्ती आई हुई है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन दोनों ऑफिसर्स की वैकेंसी है, और यहाँ पर 317 पोस्ट हैं। ओके, ऑनलाइन मोड से आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, आप एग्जाम फॉर्म अभी भी जाकर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सैलरी बहुत अच्छी रहती है, पहली चीज़ ये जो है वायुसेना की, ये भारतीय वायुसेना की वैकेंसी, ओके, वैसे ही अच्छी रहेगी। ओके, अच्छा, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन जो प्रोसेस रहती है वो इनका एक एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, ओके, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है वो होता है, फिर शारीरिक दक्षता होती है, फिर मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी लिया जाता है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं इसमें आपको क्या क्या लगेगा, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या रह सकता है। अगर 12वीं की है तो बिल्कुल, CA किया है, ओके, MBA किया है, BCOM किया है, BA किया है, BTEC किया है, ताकि आपने कोई भी ग्रेजुएशन की है, इंजीनियरिंग की है, आपने स्नातकोत्तर की ग्रेजुएशन से ज़्यादा, ओके, और भी ज़्यादा जो है मास्टर डिग्री ले रखी है या डिप्लोमा ले रखा है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 20 से लेकर 24 वर्ष की। क्या है एज लिमिट, होगी 20 से लेकर 24 वर्ष की एज लिमिट हो चुकी है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब एक दिक्कत यहाँ पर है कि जो इंजीनियर है या जो आपका मास्टर डिग्री वाला है उसके लिए क्या दिक्कत है, डिप्लोमा ठीक है, ओके, जो इंजीनियरिंग है या जो डिप्लोमा करा है उसकी एज जो है दिक्कत देगी। तो यहाँ पर क्या है, एज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिप्लोमा जो आपका मास्टर डिग्री है उसमें 2 साल बढ़ा दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, लेकिन वो होना चाहिए उसके बाद। ओके, अच्छा, एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो एग्ज़ाम फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं आप, एग्ज़ाम फ़ीस जो लग रही है वो देखिएगा। ओके, इंडियन फोर्स कमांड, ओके, टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म की सभी कैंडिडेट AFCAT एंट्री जो है 250 रुपये लगेगी। ओके, कितने लगेगी, 250 रुपये लगेगी। और जो NCC वाले हैं या NCC स्टूडेंट हैं उनका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। जितने भी स्टूडेंट NCC वाले हैं या NCC ज्वाइन करें या NCC का सर्टिफिकेट इनके पास है तो इनका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बाकी SC ST OBC जनरल कोई भी होगा उसके लिए 250 रुपये लगने वाला है, ध्यान रखेंगे चीज़। ओके, अगर इसकी आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट की बात करें, अंतिम डेट की बात करें, तो ये जो रहेगी वो रहेगी 1 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट रहेगी वो 30 दिसंबर 2021 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। ओके, तो ये पूरी जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वीडियोज़ देख सकते हैं ऑनलाइन फीस स्ट्रीम पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलती रहती है ऑनलाइन फीस स्ट्रीम पर, तो जल्दी से जल्दी आकर सब्सक्राइब कर लेंगे नए हैं तो। ओके, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर PDF डाउनलोड करनी है तो बिल्कुल वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आकर आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।